हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम आपको अपनी बुआ का घर दिखा रहे हैं। देखिए, हमारी बुआ के घर में, हमारी बुआ सास के घर पे पार्टी है, उनके पोते का बर्थडे है, तो हम सब लोग आए हुए हैं। आप लोग देखिए, हम आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे, कैसे केक कटेगा, कैसे मस्ती होगी, बच्चों की मस्ती, हम आपको सब कुछ दिखाएंगे। फ्रेंड्स, तो आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा। और हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा, ये वीडियो आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, तो देखिए सारे बच्चे बैठे हुए हैं, ये सभी केक काटने की तैयारी यहाँ पर चल रही है। ये सारे मेहमान आए हुए हैं और ये सारे मेहमान बैठे हुए हैं रूम में। फ्रेंड्स, लाइट की थोड़ा कमी है तो वीडियो थोड़ा सा क्लियर नहीं आई है। ये रात का सीन है और सारा इंतज़ाम, केक कटने का इंतज़ाम छत पे हुआ था, तो छत पे लाइट नहीं थी, लाइट थी लेकिन बहुत कम थी, तो इसलिए थोड़ा सा लाइट का अभाव है। फ्रेंड्स, तो देखिए ये बैलून लगे हुए हैं, सारा डेकोरेशन छत पे किया गया है और ये बैलून लगाए गए हैं। तो ये यहाँ नीचे खाना बन रहा है, आप देखिए ये नीचे खाना बन रहा है और ये सारे बच्चे आए हुए हैं, सब मेहमान आए हुए हैं। ये बाबू है जिसका बर्थडे है, 1 साल का एक साल का बाबू है, इसका बर्थडे मनाया जा रहा है, पहला बर्थडे है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी की वजह से सब लोग बहुत परेशान हैं, बहुत गर्मी है छत पे, कूलर चल रहा है लेकिन गर्मी बहुत है, उमस भरी गर्मी हो रही है। फ्रेंड्स, ये देखिए सब्जी चावल बन गया है, पूड़ियाँ बननी बाकी हैं अभी, और ये बच्चे सारे केक कटने की तैयारी में लगे हुए हैं, केक काटने जा रहा है, तैयारी हो रही है केक काटने की। लाइट कम होने की वजह से फ्रेंड्स हमारी वीडियो थोड़ा क्लियर नहीं आई है, तो आप लोग इग्नोर करिएगा फ्रेंड्स और हमारी वीडियो का पूरा आनंद लीजिए। तो आप सब लोग देखिए कि ये बच्चे केक काटने के लिए कितना ज़्यादा उतावले हो रहे हैं, कितनी जल्दी केक काटें और इनको केक खाने को मिले। तो देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो केक को घेर के खड़े हुए हैं और ये सभी लोग आ गए हैं। ये बेबी है जिसका बर्थडे है, तो ये भी अपना आ चुके हैं, रेडी हो चुके हैं केक कट करने के लिए आए हैं और ये कभी केक कट करेंगे। तो देखिए ये पूरी तैयारी हो गई है, अब केक कटने जा रहा है, तो बच्चे भी आ चुके हैं, सारे मेहमान छत पे आ चुके हैं और अब केक कटने जा रहा है। बाबू बहुत छोटा है, केक काट नहीं पाएगा, तो बाबू को केक कटाया जाएगा। अब ये माला इसको पहनाई जा रही है, तो ये माला भी नहीं पहन रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बच्चे गर्मी की वजह से परेशान हैं, बाबू को बहुत गर्मी लग रही है, नया नया सूट पहने हैं तो इसलिए इनको कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही है। ये माला भी नहीं पहन रहे हैं और चाकू भी नहीं ले रहे हैं और रो रहे हैं, केक नहीं काटना है, मम्मी की गोदी जाना है, तो ये बहुत रो रहे हैं। लेकिन इनको समझाया गया है, समझा बुझा के इनको बैठाया जाएगा और इनसे केक कट कराया जाएगा। अब देखिए कि बाबू गोदी में है मम्मी की और अब केक कटने जा रहा है, तो बाबू बहुत परेशान है गर्मी की वजह से, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, केक भी गला जा रहा है गर्मी की वजह से। तो फटाफट ये मोमबत्ती वोमबत्ती लगा के जल्दी जल्दी से केक कट कराने की तैयारी है कि कितनी जल्दी केक कटे। जो छत पे लोग आए हुए हैं भीड़ में, तो गर्मी और भी ज़्यादा लग रही है, तो यही हो रहा है, जल्दी से केक कटे तो यहाँ पर थोड़ा भीड़ कम हो जाएगी केक कटने के बाद। तो अब केक कटने जा रहा है, आप लोग देखिए तो ये बाबू केक काटने जा रहे हैं।
ये देखिए, ये हमारी बुआ जी हैं और इनके पोते का बर्थडे है। मम्मी फेस दिखाओ। ए हिलाओ मत, ए हिलाओ मत, रुको। अरे क्या भैया, ओम ओम, अभी आ रहे हैं, चलो बुआ के पास चलो। ये निकल जाए उसके बाद निकाल दो बाकी सब।